Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic. क्या आप जानते हैं कि भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन आज से 150 साल पहले चली थी और उसने 34 किलोमीटर का सफर पूरा किया था। इंडियन रेलवेज विश्व भर में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार देने वाली कंपनी है। तो आज के एपिक पीडिया वीडियो में आइए थोड़ा और जानें इंडियन रेलवेज के बारे में। भारत में रेलवे लाने का श्रेय ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी को जाता है, इसीलिए वो फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहलाते हैं। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पहली ट्रेन की शुरुआत 22 दिसंबर 1851 में रुड़की से कच्चा माल ढोने के लिए कर दी थी, लेकिन इंडियन रेलवेज का असली जन्म हुआ 16 अप्रैल 1853 में, जब देश की पहली पैसेंजर ट्रेन का उद्घाटन हुआ। ये ट्रेन मुंबई में बोरी बंदर से थाने तक जाती थी, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी है। इस ट्रेन के 3 अलग रेल इंजन थे, जिनका नाम था साहिब, सिंध और सुल्तान। इस ट्रेन में 14 डब्बे थे और ये ट्रेन 400 यात्रियों को रेल सुविधा देती थी। इंडियन रेलवेज के जन्मदिन को और यादगार बनाने के लिए ब्रिटिशर्स ने 16 अप्रैल की तारीख को पब्लिक हॉलिडे घोषित कर दिया था। किसने सोचा था कि इस छोटी सी शुरुआत से एक दिन यही इंडियन रेलवे सैकड़ों भारतीयों को देश भर की सैर कराएगी। अंग्रेजी सरकार भारत में रेल देश के कोने कोने से कच्चा माल बंदरगाहों तक एक्सपोर्ट करने के लिए लाई थी, लेकिन ऐसे वक्त में भी रेल जल्द ही सामाजिक सुधार का साधन बन गई। महात्मा गांधी ने इसी इंडियन रेलवेज की बदौलत अपना भारत भ्रमण पूरा किया। जब उन्होंने देश को करीब से देखा तो उनके सोच विचार में बदलाव आया और इन्हीं विचारों ने आगे जाके देश के स्वतंत्र संग्राम को तराशा। आजादी की लड़ाई और आजादी के बाद देश के विभाजन, दोनों में ही इंडियन रेलवेज ने लाखों लोगों को अपने पड़ाव तक पहुंचाया। आजादी के बाद जो राजा महाराजाओं की प्राइवेट 32 रेल पटरियां थीं, उनको इंडियन रेलवेज ने 42 अलग रेल पटरियों के साथ मिलाकर एक नए जोश के साथ फिर शुरुआत की। 1951 में नेशनलाइज हुई इंडियन रेलवेज आज एशिया का सबसे विशाल रेल नेटवर्क चलाती है। इंडियन रेलवेज लगभग 15 लाख लोगों को रोजगार देती है, जो विश्व भर में सबसे ज्यादा है। इंडियन रेलवेज का रेल नेटवर्क विश्व का चौथा सबसे विशाल रेल नेटवर्क है, जिसका एरिया है 67,956 किलोमीटर। इंडियन रेलवेज में 2,93,077 मालगाड़ी के डब्बे, 76,608 यात्री डब्बे और 12,729 रेल इंजन है, जो कि 27 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरी से गुजरते हैं। साल 2019 और 2020 के बीच इंडियन रेलवेज ने प्रतिदिन 2,20,00,000 यात्रियों और 3.32 लाख टन माल को 7,325 स्टेशनों तक पहुंचाया। भारत अब उन चुनिंदा देशों में गिना जाता है, जैसे चाइना, रशिया और यूएसए, जहां सालाना 1 अरब टन से ज्यादा माल रेल से ढोया जाता है। इंडियन रेलवे की सफलता से कई और स्पेशल ट्रेनों की शुरुआत हुई, जैसे रॉयल एक्सपीरियंस देने वाली पैलेस ऑन व्हील्स, जो कि देश की पहली लग्जरी ट्रेन है और आज दुनिया भर में चौथी बेस्ट लग्जरी ट्रेन मानी जाती है। सन 1991 में इंडियन रेलवेज ने विश्व की पहली अस्पताल ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस यानी जीवन रेखा एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। ये ट्रेन इंडियन रेलवेज, इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री के कंबाइंड एफर्ट से बनाई गई है। इसमें 7 एयर कंडीशन डब्बे हैं और ये ट्रेन मुफ्त डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव और सर्जिकल हेल्थ केयर भारत के हर गांव तक पहुंचाती है। इंडियन रेलवे रोजाना 12,617 ट्रेनों में 2,20,00,000 यात्रियों को ट्रांसपोर्ट सुविधा देती है। ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी जितने लोग हैं। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसने ट्रायल रन में 180 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड को छुआ था। भारत की सबसे धीमी गति से चलने वाली ट्रेन है नीलगिरी एक्सप्रेस। इस ट्रेन की टॉप स्पीड है केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा। भारत का सबसे पुराना चलता फिरता लोकोमोटिव है एक्सप्रेस EIR 21।
जिसका निर्माण सन 1855 में हुआ था। ये दुनिया का सबसे पुराना स्टीम लोकोमोटिव भी है। विश्व का सबसे लंबा रेल प्लेटफॉर्म गोरखपुर में है। इसकी लंबाई 1.35 किलोमीटर है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के सबसे लंबे ट्रेन मार्ग पर चलने वाली ट्रेन है विवेक एक्सप्रेस। ये ट्रेन असम में डिब्रूगढ़ को तमिलनाडु में कन्याकुमारी से जोड़ती है, यानी 4273 किलोमीटर की दूरी, जिसे ये ट्रेन 80 घंटे 15 मिनट में 55 स्टॉप्स के साथ पूरा करती है। 2020 में जब कोविड-19 के कारण देश भर में भीषण लॉकडाउन हुआ, तब भी जरूरी सामान का ट्रांसपोर्ट ट्रेन द्वारा करते हुए इंडियन रेलवेज देश की सेवा में डटी रही। इतना ही नहीं, कोविड-19 से जूझते मरीजों की सुविधा के लिए इंडियन रेलवेज ने ऑक्सीजन ट्रेनें भी चलाई, जिससे देश भर में हर जगह मेडिकल लिक्विड ऑक्सीजन पहुंचाई जा सके। भले ही हवाई जहाज का सफर रेल से ज्यादा तेज होता है, लेकिन रेल की यात्रा हमेशा यादगार, आरामदेह और रोमांचक होती है। रेल यात्रा में जीवन के कई अनोखे अनुभव मिलते हैं, जैसे ट्रेन की गड़गड़ाहट सुनना, वो खिड़की से बाहर झांक दौड़ती हरियाली देखना, या साथियों के साथ आमने सामने बैठकर खाना खाना और गपशप करना। भारत जैसे विशाल देश में यदि कोई ऐसा सूत्रधार है जो सब देशवासियों को एक दूसरे के करीब लाता है, तो वो है इंडियन रेलवेज। क्या आप जानते हैं कि एशियाटिक लाइन आज सिर्फ भारत में बचे हैं? मेल एशियाटिक लायंस अकेले या ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 के झुंड में शिकार करते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब हम जानेंगे एपिकपीडिया के अगले वीडियो में।